The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ में युवती के साथ दो युवकों ने मिलकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। खेत में गोबर पाटने गई लड़की को मेहरबान और इलाल नामक दो आरोपी ईख में खींचकर ले गए, जहां उसके साथ रेप किया गया। एक ने दुष्कर्म किया जबकि दूसरे आरोपी ने वीडियो बनाई। इतना ही नहीं, रेपिस्ट युवती को वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रहे थे, साथ ही किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों आरोपी गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये घटना 3 जनवरी की दोपहर 12 बजे की है। घटना के बाद पीड़िता ने डरा सहमा रहना शुरू कर दिया था। माँ और बहन के दबाव बनाने पर बेटी ने सारी वारदात बताई। ये सारा मामला थाना मवाना के भैंसा गाँव का है। सुनिए पीड़िता के भाई सलमान से मिली जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। क्या मामला हुआ भैया? अभी यहाँ मैं घर में तो बाहर रहूँ, मेरी बहन गोबरपात में गई थी। मेरी बहन कच्चा लाया कान पर, इसमें घेंस के भेजी है। कौन? एक का नाम मेहरबान है और एक का नाम मिलाल है। गाँव के ही है? अभी गाँव के पड़ोसी हैं। मैंने तो बलात्कार किया है, करने का प्रयास कर रहे थे। कराया जी, एक ने करा। कोशिश किसने किया है? मेहरबान ने। और दूसरा उसकी वीडियो बना रहा? दूसरा वीडियो वो भी करा दो, किसने देख लिया, छोड़ के भाग गए। अब थाने में आए हैं? हाँ जी, थाने में। एप्लीकेशन नहीं करा। कब की घटना है? अभी दिन हो गए। मैंने वीडियो वीडियो बनाई, वो वायरल कर दी मैंने। हाँ, तो आप कार्रवाई नहीं करना चाहते थे क्या? कार्रवाई करेंगे सर, इसलिए तो आए हैं। इस बारे में SSP रोहित सिंह साजवान ने यह जानकारी दी। शिकायत आई है जिसमें वीडियो वायरल हुआ है और थाना मवाना के अंतर्गत एक नाबालिग युवती के द्वारा थाने पर आकर तहरीर दी गई है कि उसी के गांव के दो युवक उनके साथ वो गई थी और उसके बाद एक युवक के द्वारा उसका दुष्कर्म किया गया, दूसरे युवक के द्वारा एक वीडियो बनाई गई और ये घटना लगभग 3 हफ्ते पुरानी है। और जब बाद में ये वीडियो वायरल होने लगा, उस युवती को पता चला, तो उसके द्वारा थाने पर आकर ये तहरीर दी गई है और जो युवक हैं अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और साथ ही साथ जो दोनों युवक हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।